आंध्र प्रदेश को पर्यटन के क्षेत्र में समग्र विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का राष्ट्रीय टूरिज्म अवार्ड मिला है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने शुक्रवार को यह पुरस्कार दिया। इस साल विभिन्न श्रेणियों में कुल 73 पुरस्कार दिए गए। गोवा, मध्य प्रदेश को एक साथ एडवेंचर टूरिज्म कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ राज्य का अवार्ड दिया गया है। वहीं तेलंगाना को आईटी कैटेगरी में विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला। नई दिल्ली में विज्ञान भवन में पुरस्कार समारोह में नायडू ने कहा कि भारत में व्यापार करना आसान हो गया है। भारी संख्या में पर्यटक देश का दौरा कर रहे हैं। पहले देश में बिजनेस करना बेहद मुश्किल था, वहीं अब देश में रेड कारपेट बिछाकर पर्यटकों का स्वागत किया जाता है। इस मौके पर केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल और विश्व पर्यटन संगठन के महासचिव जुरा पोलोलिकाशिवली भी उपस्थित थे। हर साल 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस हर साल 27 सितंबर को मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य पर्यटन और उसके सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक व आर्थिक मूल्यों के प्रति विश्व समुदाय को जागरूक करना है। इसे संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने 1980 में शुरू किया था। यह विशेष दिन इसलिए चुना गया क्योंकि 1970 में इसी दिन UNWTO के कानून प्रभाव में आए थे। भारत पर्यटन की दृष्टि से समृद्ध और व्यापक संभावनाओं वाला देश है।